के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी बनेंगे सुशील शिंदे, जितिन को मिल सकती है यूपी की कमान। कमलनाथ ने विवादों के बाद दिया इस्तीफा। कांग्रेस मुक्त पूर्वोत्तर के लिए कांग्रेस ने बनाई खास रणनीति। पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन का किया गठन, कल गुवाहाटी में तैयार होगा घोषणा पत्र। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ने खारिज की पंजाब ड्रग्स की रिपोर्ट, कहा राज्य को बदनाम कर रहे हैं, एम्स ने दी थी रिपोर्ट। सुल्तान की रिलीज से पहले विवादों में आए सलमान खान, कहा शूटिंग की थकान रे विक्टिम जैसे। बीजेपी ने की कड़ी निंदा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मांगा जवाब। और बाल बाल बचे अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारने पहुंचा 19 साल का लड़का, पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिल्म सुल्तान की शूटिंग को लेकर सलमान खान ने एक विवादास्पद बयान दिया है। सलमान खान ने कहा कि सुल्तान की शूटिंग की थकान किसी रेप विक्टिम जैसी थी। एक्टर के इस बयान की बीजेपी नेता शाइना एनसी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि सलमान को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। इस बीच नेशनल वुमेन कमीशन की अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम ने कहा कि आयोग की ओर से सलमान को चिट्ठी लिखी गई है, इसमें पूछा गया है कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। अगर एनसीडब्ल्यू उनके जवाब से संतुष्ट नहीं मिलती है तो आगे समन भी जारी किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी से लगभग तय उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को एक ब्रिटिश युवक मार डालना चाहता था। शनिवार को लास वेगास में ट्रंप की एक रैली में सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक छीनने की कोशिश में गिरफ्तार युवक से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। गिरफ्तार किए गए 19 साल का युवक माइकल स्टीवन सैनफोर्ड ब्रिटिश नागरिक है। कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेज के आधार पर कहा जा रहा है कि सैनफोर्ड ट्रंप को जान से मारने के लिए ही गार्ड से बंदूक छीन रहा है। उसे जल्द ही नेवादा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में 5 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी। मणिपुर और मेघालय में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस मुक्त पूर्वोत्तर के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है, जिसके तहत पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन का गठन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम के सीएम तथा पूर्वोत्तर के कुछ दल बुधवार को गुवाहाटी में अपने घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने और भविष्य की रणनीति तय करने के लिए मिलेंगे। असम में पहली बीजेपी सरकार के सत्ता में आने पर अध्यक्ष अमित शाह ने NEDA की घोषणा की थी। बीजेपी महासचिव राम माधव बुधवार को होने वाली अनौपचारिक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल, नागालैंड के सीएम TR जलियांग, अरुणाचल प्रदेश के सीएम के पुल, NEDA के संयोजक हेमंत विश्व शर्मा और NPP के सी संगमा शामिल होंगे। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज देश भर में योग कार्यक्रम चल रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में बाबा रामदेव के योग कार्यक्रम में 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए। केंद्र सरकार के मंत्री भी कई जगहों पर योग कार्यक्रम में शामिल हुए। फरीदाबाद में सेक्टर 12 हुड्डा मैदान में विश्व योग दिवस पर आयोजित योग कार्यक्रम में 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ योग किया। 10,000 से ज्यादा पुशअप लगाए, 1,500 बार नमस्कार और एक साथ 408 लोगों ने शीर्ष आसन किया। पुशअप और शीर्ष आसन का रिकॉर्ड गिनीज बुक ने दर्ज किया, जबकि एक साथ 1,00,000 से ज्यादा लोगों के योग करने और सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड अमेरिका की गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दर्ज किया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता के मसले पर अमेरिका और चीन आमने सामने हो गए हैं। अमेरिका ने NSG के सदस्य देशों से कहा कि वो सोल में शुरू होने वाली अपनी बैठक के दौरान भारत के आवेदन पर विचार करे और उसे समर्थन दे। वही चीन ने सोमवार को ही कहा था कि सोल बैठक में भारत की NSG सदस्यता बहस के एजेंडे में नहीं है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जोश एनर्स ने कहा, हमारा मानना है और ये कुछ समय से अमेरिका की नीति रही है कि भारत सदस्यता के लिए तैयार है। अमेरिका बैठक में भाग लेने वाली सरकारों से अपील करता है कि वो NSG की पूर्ण बैठक में भारत के आवेदन को समर्थन दे। अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ ने मदर टेरेसा को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा है कि टेरेसा जैसे लोगों ने भारत के ईसाईकरण की कोशिश की। गोरखपुर से बीजेपी के सांसद आदित्यनाथ ने एक कॉलेज परिसर में आयोजित रामकथा कार्यक्रम में कहा, मदर टेरेसा जैसे लोग कभी भारत का ईसाईकरण करने का काम करते हैं तो कभी फादर बनकर यही लोग हिंदुओं को दफनाने की साजिश रचते हैं।
उन्होंने कहा भारत के पूर्व उत्तर राज्यों में इन ईसाइयों ने किस तरह से खतरनाक स्थिति पैदा कर रखी है। झारखंड, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में ईसाइयों ने अलगाववाद की ऐसी स्थिति पैदा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल से हाल ही में हटाए गए फिल्म अभिनेता अमरीश ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कर्नाटक विधानसभा के उपाध्यक्ष को भेजा है। हालांकि अमरीश का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि इस दौरान उन्हें व्यक्तिगत तौर पर मौजूद रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को अपने कैबिनेट में फेरबदल किया है। इसके तहत 13 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है जबकि 14 को हटाया गया है। अमरीश कर्नाटक सरकार में आवास मंत्री थे और फेरबदल से पहले ही ये अटकलें थी कि उन्हें 4 मंत्री पद से हटाया जा सकता है। विभाग में मंत्री के तौर पर अमरीश के कामकाज की आलोचना हो रही थी। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर आरोप लगाया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल से मार्गदर्शन लेते हैं। स्वामी ने जंग पर यह हमला तब किया जब बीजेपी सांसद महेश गिरी द्वारा दिए गए धरने में उनके साथ कुछ देर वहां बैठने के लिए गए। गिरी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ये मांग कर रहे हैं कि एनडीएमसी अधिकारी की हत्या से उन्हें जोड़े जाने का आरोप लगाने के लिए आप प्रमुख उनसे माफी मांगे। इसे इतर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लिखे एक पत्र में स्वामी ने उपराज्यपाल नजीब जंग को निशाना बनाते हुए दावा किया कि उनके पास ऐसी सूचना है जिससे ये संकेत मिलता है कि उपराज्यपाल बीजेपी को शर्मसार करने के लिए कांग्रेस की शह पर केजरीवाल को उकसा रहे हैं। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुँचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.